के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। ताड़ी पीने के विवाद में हुई हत्या का एसपी साउथ ने किया खुलासा, कहा अवैध संबंध के शक में हुई थी हत्या। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्वांचल संग्रहालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने किया औपचारिक उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधुओं की बैठक, डीएम ने कहा फर्टिलाइजर परिसर में जल्द ही बनेगा पूर्व सैनिकों के लिए फायरिंग रेंज। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी, कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जिला पत्रकार स्थायी समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महिला उत्पीड़न और किसानों की बदहाली के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सहित कई संगठनों ने किया धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। पूर्व आईएएस हरिश्चंद्र ने गगा कांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग, कहा दोषियों पर हो कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न, पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। 25 मई को केंद्र सरकार के 4 वर्ष की उपलब्धियों को बताने आएंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। गगा के अस्थौला में उत्पन्न विवाद के संबंध में थाना गगा में घटित घटना की मजिस्ट्रियल जांच करेंगे एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ। 28 मई को प्रदेश के सिंचाई एवं सिंचाई मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे जिला योजना समिति की बैठक। जिलाधिकारी के जनता दर्शन में फरियादियों की संख्या बढ़ी, डीएम ने समस्याओं के निस्तारण के प्रति किया आश्वस्त। और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा रेलवे यांत्रिक कारखाना के समक्ष आयोजित हुआ आम सभा, संघ के झंडे उतारे जाने पर सदस्यों ने व्यक्त किया आक्रोश।